कल हमने अपनी एक वीडियो में बताया था कि एजाज खान ने अपने आप को हिंदुस्तानी भाव का सिंगर बताया है और बिग बॉस 13 का एक भी एपिसोड बिना देखे हिंदुस्तानी भाव पर झूठे इल्जाम लगाए थे। तो वहीं हम आज अपनी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि एजाज खान बिग बॉस 13 में किस कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और इस सीजन को लेकर उनकी क्या राय है। मीडिया से बात करते हुए एजाज ने बताया कि वो इस सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ हैं और जब उनसे पूछा गया कि लोग सिद्धार्थ शुक्ला के अगेंस्ट हैं क्योंकि वो लड़कियों के साथ मिसबिहेव करते हैं, तो इस पर एजाज ने अपनी तारीफ करते हुए कहा कि बिग बॉस में हर किसी ने लड़कियों के साथ मिसबिहेव किया है सिवाय मेरे, क्योंकि मेरी 5 बहनें हैं इसलिए मैंने आज तक किसी लड़की को गाली नहीं दी और इसी वजह से मैं बिग बॉस में लड़कियों की तारीफ करता था, उनके साथ फ्लर्ट करता था। बिग बॉस में गौहर खान मुझे इतना ऑब्सेस करती थी लेकिन तब भी मैंने उन्हें आज तक कुछ नहीं कहा और ना मैं उनसे कभी लड़ा और मैं यही सब सिखाऊंगा कि लड़कियों से मत लड़ो, बी अ मैन गाइज एंड हिंदुस्तानी भाव, मेरी जान छोटे एंटरटेन कर। एक तरफ तू कह रहा है कि लड़कियों की रिस्पेक्ट कर और फिर लड़कियों से झगड़ा कर रहा है, इससे तेरा डबल फेस दिख रहा है और अपने अंदर से हिंदुस्तानी भाव निकाल और अपने अंदर का असली इंसान दिखा, अगर तू नहीं दिखा पाएगा तो बिग बॉस दिखा देगा। इसके बाद उनसे पूछा गया कि इस सीजन में डबल ढोलकी कौन है जो दोनों साइड रहता है, तो इस पर उन्होंने कहा कि शो में किसी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों टीमों से खेल रहा है बल्कि सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं, इसमें कोई टीम नहीं है, जिसका जैसा गेम है वैसा खेल रहा है। आपने जिससे दोस्ती की है उसके साथ दोस्ती निभाओ और बिग बॉस के घर में दोस्तियां बदलती रहती हैं, लेकिन मैंने बिग बॉस के घर में जिससे भी दोस्ती निभाई है एंड तक निभाई है और जिससे दुश्मनी की है एंड तक की है। इसके बाद एजाज से पूछा गया कि सना यानी कि शहनाज को कुछ लोग पसंद कर रहे हैं तो कुछ लोग उसे फेक भी बता रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है। तो एजाज ने कहा कि कोई भी इतने टाइम तक फेक नहीं रह सकता है क्योंकि बिग बॉस हर चीज को पकड़ लेता है, वो जैसी है वैसी ही है एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। बिग बॉस की इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल अर्पण न्यूज को करें सब्सक्राइब ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्पण न्यूज़।